देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपक्रम चलाकर अनूठी सौगात और बधाई देने की कोशिश की। कारगर में बीजेपी युवा नेता परेश ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया और हरियाली एवं पर्यावरण को प्रोत्साहन देते हुए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। देखिए झलकियां। हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो भारत माता की जय। खारगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर अनूठे ढंग से बधाई दी। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खारगर में ग्राम विकास भवन प्रांगण में वृक्षारोपण किया और अपने नेता का जयघोष करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीजेपी के युवा नेता परेश ठाकुर और शहर अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने पेड़ लगाया और पीएम के दीर्घायु होने की कामना की। बीजेपी युवा नेता परेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं कार्यों का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को पूरी दुनिया में जिस तरह पहचान और सम्मान दिलाया वह काबिले तारीफ है। युवा नेता ने कहा कि आज दुनिया में हर तरफ संकट है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार बुलंदियों की ओर बढ़ता जा रहा है। भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी यांचा वाढदिवस या निमित्ताने या सर्व पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये, मग खारगर असेल किंवा पनवेल असेल, कामोठा असेल, आणखीन इतर सर्व क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारचे कार्यक्रम हे आयोजित करण्यात आलेले आहेत। माननीय नरेंद्र मोदीजी हे पंतप्रधान झाल्यापासून भारताची शान ही उंचावतच चाललेली आहे। आपण पाहतो आहोत की कोरोनाच्या निमित्ताने मग सांगता इथे जगभरामध्ये अवकळा आलेली आहे आणि सगळीकडे एक सांगता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकट उभं राहिलेलं आहे। अगदी आपण पाहावं तर इराण असेल, अफगाणिस्तान असेल, पाकिस्तान असेल, श्रीलंका असेल, भूतान असेल, नेपाळ असेल, बांगलादेशसुद्धा असेल, बांगलादेशसुद्धा त्याच वाटेवरती आहे की इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठं संकट हे येत चाललेलं आहे। अनेक देशांमध्ये आपण पाहाल जे तुर्कीसारखी सांगता मोठी मोठी राष्ट्र त्यांच्यापासून सगळीकडे मग सांगता त्यांचं चलन जे आहे त्याचं अवमूल्यन हे होत चाललेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणात संकट त्यांच्या उभे राहिलेलं आहे। परंतु आपण मात्र सांगता आपला रुपया हा डॉलरच्या समोर इतका मजबूत ठेवलेला आहे त्याच्याच बरोबरीने आपण या इथे भारताचं एक सांगता महत्त्व हे ते योगा असेल, सांस्कृतिक असेल, त्याच्याचबरोबर इस्रोचे विविध असे सांगता या इथे मोहिमा असतील किंवा आपल्या नौदलाचं मोठ्या प्रमाणात सामर्थ्य वाढणं असेल आणि त्याचबरोबर आपण जागतिक स्वरूपामध्ये बघतोय की भारताचं महत्त्व हे वाढत चाललेलं आहे। ह्या सर्वांसाठी ज्यांच्यामुळे हे सर्व घडत चाललेलं आहे असे माननीय नरेंद्र मोदीजी ह्यांचा वाढदिवस हा आज आहे आणि त्यांचा वाढदिवस हा एक सांगता इथं सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा व्हावा म्हणूनच या इथे भारतीय जनता पार्टीने ठरवलेलं आहे आणि जनतेची सुद्धा अशा प्रकारची इच्छा आहे आणि म्हणूनच विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत। आता या इथे भारतीय जनता पार्टीतर्फे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम ज्या इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। अशा प्रकारे सांगता योग्य प्रकारे त्यांना सलाम करता आला, त्यांच्या कर्तृत्वाला, त्यांच्या कार्याला सलाम करता यावा यासाठीच आपण सर्वांनी झटायचं आहे। हे कार्यक्रम आपण यशस्वी करण्यासाठी सर्वजण सांगता आपण प्रयत्न करायचा आहे। वही बीजेपी के शहर अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि पीएम जिस तरह देश को समृद्ध बना रहे हैं उसी तरह बीजेपी सेवा सप्ताह के जरिए उनके जन्मदिन पर तमाम उपक्रम चला रही है। वृक्षारोपण से शुरुआत हुई है जो अन्य उपक्रमों के जरिए 2 अक्टूबर तक चलेगी। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, सबसे पहले आज के दिन के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी खारगल की मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। आज के अवसर पर, मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने तय किया था कि हम कुछ न कुछ उपक्रम करेंगे, सेवा के उपक्रम। हमने तय किया कि आज के दिन के अवसर पर हम लोग खारगर को ग्रीन खारगर बनाएंगे। तो खारगर दिन ग्रीन कराना है तो हमको पेड़ लगाने चाहिए, तो उसके तहत आज हमने सेक्टर 21 के जो ग्राम विकास भवन है उसके सामने हमारे पनवेल के माजी सभागृह नेता श्री परेश ठाकुर जी के प्रमुख उपस्थिति में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम करने के साथ साथ हमने खारगर के सभी नागरिकों को आज अपील की है कि हम ऐसा संकल्प करें कि आज ऑक्सीजन की कमी के कारण हमको क्या क्या सहना पड़ा है वो सहना ना पड़े, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उसकी शुरुआत आज हमने कर दी है। पूरा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मोदी जी के जन्मदिन के निमित्त में पूरा सेवा सप्ताह भाजपा के द्वारा मनाया जा रहा है। आज जैसे वृक्षारोपण है, कल हमारा रक्तदान शिविर रहेगा, इस प्रकार से अलग अलग लसीकरण का कार्यक्रम, अलग अलग जन जागृति के कार्यक्रम होते रहेंगे। तो मैं
सभी जनता को विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, और कल के दिन में हमारा जो कार्यक्रम है रक्तदान शिविर का रामसेठ ठाकुर स्कूल में, आप आके अपना अमूल्य रक्त का दान करके जो गरीब व जरूरतमंद जो व्यक्ति है उनको आप जरूर अपना रक्तदान देके मदद कीजिए, ऐसा मैं आपको अपील भी करता हूँ और मोदी जी को फिर से एक बार जन्मदिन की शुभेच्छा देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।